अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी YouTube फैमिली। अब मैं चाहने वाला जहाँ भी ग्राफिक्स में बात कर रहा था इसमें फिर भी आम है। और आज का स्टार्ट करते हैं, तो आज का आपका टॉपिक किस बैठ गए हैं, तो फेयर एंड लवली फेस वॉश वॉश सॉरी फेयर एंड लवली फेस वॉश के साथ मेकअप रिमूव करने का आसान तरीका आज का यही टॉपिक है। तो कुछ लोगों को काफ़ी लोगों को नहीं पता कि फेयर एंड लवली फेस वॉश के साथ मेकअप काफ़ी अच्छा रिमूव हो जाता है। इससे मेकअप रिमूव करने का आप लोगों को तरीका बताएंगे कि कैसे आपने रिमूव करना है। आज के बाद का ये टॉपिक है, तो जितने भी लोग वीडियो में आएंगे तो वीडियो में स्टे कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और फुल लैपटॉप FWG दीजिएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम अपना मेकअप चेक करवाते हैं, तो उसके बाद कुछ और करते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छे से मतलब हो जाता है रिमूव। तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं ना मेकअप तो काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन रिमूव करने का तरीका कोई नहीं जो ना बताता। आज वो ही आप लोगों के साथ जो है तरीका शेयर करेंगे। तो चले फिर आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्री बैठ कर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम आप लोगों के जो ना करीब आ गए हैं। तो ये देखें आप लोगों की जोनियाँ, तो कैसा लगा आज का गेटअप और आज का लुक। ये है फेयर एंड लवली फेस वॉश जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो फेयर एंड लवली का फेस वॉश जो है मेकअप को काफ़ी अच्छे से रिमूव कर देता है। तो फेयर एंड लवली फेस वॉश में आपने क्या कुछ नहीं करना, जैसे कि आपने मेकअप किया हुआ आपने मेकअप अपना रिमूव करना है, आपने इसे ओपन करना है, अपनी हथेली पर आपने फेयर एंड लवली का फेस वॉश जो है ना ले लेना है। उसमें थोड़ा सा आपने एलोवेरा का जेल जो जारी होता है ना वो ले लेना है। दोनों की क्वांटिटी सेम रखेंगे, हथेली पर मिक्स करके ना अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई करना है, आँखों पर अप्लाई करना है, 2-3 मिनट के लिए रफ करना है आँखों पर पूरे फेस पर। उसके बाद आँखें ओपन नहीं करनी, आपने टिश्यू लेना है, टिश्यू की मदद से आपने आँखों को जो है ना साफ कर देना है। आई ऊपर से जो ना फिर फेस वॉश और ये एलोवेरा का जेल जो होगा ना ये इजीली फिर टिश्यू की मदद से आंखों का मेकअप हैवी होता है वो साफ हो जाए, क्लियर हो जाएगी आईज आपकी। फिर इसके बाद एक और टिश्यू लें, उसके बाद पूरा फेस को टिश्यू की मदद से साफ करें, उसके बाद फिर आप सिंपली फेस वॉश लें, तो इसके साथ फेस को वॉश कर दें, तो आपका मेकअप रिमूव बहुत ही अच्छा है, मेकअप रिमूव करने के लिए बेस्ट है। तो और जितने भी मैंने यूज़ किए मेकअप रिमूव करने के लिए वो इतने बेस्ट नहीं है, इतना अच्छा रिमूव नहीं करते। फेयर एंड लवली फेस वॉश जो है ना ये मेकअप अच्छा है और बेस्ट मतलब यूजिंग में बेस्ट है। इसमें होते हैं छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, तो वो मेकअप को अच्छे से रिमूव कर देते हैं, ब्लू कलर के होते हैं इसमें। तो लोगों को नहीं था पता, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को हम बता दें कि मेकअप काफ़ी अच्छे से रिमूव हो सकता है बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से। तो ये है जी हमारा आज का टॉपिक, फेयर एंड लवली फेस वॉश के साथ मेकअप रिमूव करें। तो मेकअप आज का कैसा लगा मुझे कमेंट से बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी, ब्लॉग कैसा है ये कमेंट से बताइएगा। तो थैंक यू सो मच दिल से कि आप एक मजलूम की हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और अपने कीमती टाइम दे रहे हैं। तो बहुत बहुत आप लोगों का जो ना दिल से थैंक्स और शुक्रिया। तो बहुत मतलब लोग हैं दुनिया में, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा लोग हैं इंसान हैं,
कभी किसी ने ये नहीं बताया होगा कि आप इस फेयर एंड लवली के फेस वॉश के साथ रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपली 2-3-5-4 मिनट लगेगा मेकअप बिल्कुल रिमूव करने में, बहुत टाइम लग रहा है, रिमूव करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो व्लॉग इतना लंबाई में नहीं होगा, तो 5 मिनट अभी थोड़ा, हाँ तो इतना लंबाई नहीं, लंबाई में नहीं करते तो शॉर्ट ही बनाते हैं। तो फिर अभी फेस वॉश कैसा है, आपने कभी ट्राई किया? नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय।